तो स्टूडेंट्स चैप्टर टू पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स आपकी सुविधा के लिए नीचे मेरा नंबर मेरी मेल आईडी आपको दी गई है। स्टूडेंट्स इस नंबर पे आप अपनी क्वेरीज को भेज सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के बारे में ये बताया गया है कि ये एक्सरसाइज दिस इज नॉट अ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट देखा गया है कि एग्जाम में इस एक्सरसाइज से भी काफी क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं। सो उसी के हेतु मैं ये एक्सरसाइज को फिर यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वेरीफाई दैट द नंबर गिवेन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and coefficient in each case. First polynomial is 2x cube plus x square minus 5x plus 2. इसके zeros की तीन zeros दिए गए हैं 1 upon 2, 1, minus 2. सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन तीनों zeros को बारी बारी से इस polynomial के अंदर put करके हम check करते हैं कि क्या ये जीरोज इनके हैं अथवा नहीं है। तो पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं px से, वेयर px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब इसमें हम सबसे पहले 1 अपॉन 2 पुट करते हैं, तो p 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि फर्स्ट 1 अपॉन 2 इस पॉलिनोमियल का 0 है। फिर इसके बाद फिर पुनः इस पॉलिनोमियल में दूसरी वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं, हमने देखा कि p1 इज इक्वल टू आल्सो 0। फिर इसके तीसरे जीरोस को हम इसमें पुट करके चेक करते हैं, तो हम पा रहे हैं कि तीसरा जीरोस भी इसको वेरीफाई कर रहा है। तो इस प्रकार से हमें यह वेरीफाई हो गया कि अलोंग साइड इसके तीन जो जीरोस दिए गए हैं वो तीनों जीरोस हमारे गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट इन ईच केस। तो फर्स्ट में हम जानते हैं कि इस कंपेयर को इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म क्यूबिक पॉलिनोमियल से करते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से। जब कंपेयर करते हैं तो हम पाते हैं कि ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू माइनस 5 एंड डी इज इक्वल टू 2 है। अब हम क्या करते हैं, इसकी जो तीनों जीरोज को हम बारी बारी से अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं। हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहां हम चेक करते हैं 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। साथ में दूसरा रिलेशन है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू माइनस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2। दिस इज अ सी अपॉन ए एंड तीनों का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 into 1 into minus 2 is equal to minus 1 upon 1 is equal to minus 2 upon 2 is equal to minus d upon a. Therefore, the relationship between the zeros and coefficient is verified. हमने देखा कि पहले हमने इस क्वेश्चन में इसके जीरोज को पुट करके चेक किया कि क्या इसके जीरो है अथवा नहीं है। हमने देखा कि इसके जीरोज हैं और जब जीरोज हमें मिल गए तो अब हम क्या करते हैं, इसका कंपेयर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म आप क्यूबिक इक्वेशन से करते हैं और इसके क्यूबिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे हमने कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू को डी को वैल्यू को फाइंड किया, इसके रिलेशनशिप में हमने पुट किया और चेक किया कि ये हमारा रिलेशन जो है इसको वेरीफाई करता है। नाउ स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू 2, कॉमा माइनस 7, माइनस 14 रिस्पेक्टिवली। हमने देखा कि हमारा पॉलिनोमियल जो होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एंड द जीरोज बी अल्फा बीटा एंड गामा। इट इज गिवेन दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 1 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस 14 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए।
If A is equal to 0, then B is equal to minus 2, C is equal to minus 7, and D is equal to 14. Hence, the polynomial substituting all four values A, B, C, D in a cubic polynomial, and we get the resultant polynomial, that is x cubed minus 2x square minus 7x plus 14. This is your required answer. Now, students, next question. Question number 3. If the zeros of polynomial x cubed minus 3x square plus x plus 1 are A minus B, comma, A, comma, A plus B, find A and B. हमें चेक करना है कि इसके तीनों जीरोस दिए गए हैं और हमें A और B की वैल्यू को फाइंड करना है. तो पहला काम होता है पॉलिनोमियल को मान लेना. px equal to x cube minus 3x square plus x plus 1. Zeros are A minus B, A plus B. Comparing given polynomial px cube plus qx square plus rx plus t, we obtain p is equal to 1, q is equal to minus 3, r is equal to 1, t is equal to 1. Sum of the zeros a minus b plus a plus a plus b minus q upon p equal to 3a. Minus 3 minus minus 3 upon 1 is equal to 3a. 3 is equal to 3a, a is equal to 1. The zeros are 1 minus b, comma 1, comma 1 plus b. Multiplication of the zeros 1, 1 minus b, 1 plus b, minus t upon p is equal to 1 minus b ka square. Minus 1 upon 1 is equal to 1 minus b square. 1 minus b square is equal to minus 1. 1 plus 1 is equal to b square. So b is equal to plus minus under root 2. Hence, a is equal to 1, b is equal to under root 2 or minus under root 2. These are the value of this relation a and b. Next question. If two zeros of polynomial x ki power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 are 2 plus minus root 3. Find other zeros. Given that the two zeros are 2 plus root 3 and 2 minus root 3. Hum ek bar plus sign ke saath 2 plus root 3 likhte hain. फिर इसके बाद जो है माइनस साइन के साथ 2 माइनस रूट 3 लिखते हैं. आर जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. देयरफॉर एक्स माइनस 2 माइनस रूट 3 और एक्स माइनस 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 3. द रिजल्टेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. For finding the remaining zeros of the given polynomial, we will find the quotient by dividing x ki power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 by x square minus 4x plus 1. अब हम इसमें division को perform करते हैं. हम देखते हैं कि x square में किस number से multiply करेंगे, x की power 4 हो जाएगा. तो हम जो है हमें मिलता है x square. तो हम x square से इस पूरे polynomial में x square minus 4x plus 1 multiply करते हैं. हमें मिलता है x की power 4 minus 4x cube plus x square. Subtract करने के लिए नीचे के sign को change किया जाता है. Eliminate होने वाले terms को eliminate कर देते हैं. हमारे पास बचता है minus 2x cube minus 27x square plus 138x minus 35. अब देखते हैं कि x square में किससे multiply करें कि minus 2x cube हो जाए. तो वो number है minus 2x. तो minus 2x के हम पूरे polynomial में multiply करते हैं. हमें मिलता है minus 2x cube plus 8x square minus 2x. Subtract करते हैं, sign change करते हैं, जो कटता है उसे कटा देते हैं. हमें resultant मिलता है minus 35x square plus 140x minus 35. अब हमें पता करना है कि x square में किससे multiply करें कि minus 35x square हो जाए. तो वो number है minus 35. माइनस 35 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें मिलता है माइनस 35x स्क्वायर प्लस 140x माइनस 35. साइन चेंज करते हैं, सब कट के जीरो हो जाता है. तो क्लियरली यहां पे मिलता है कि x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इनटू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35. इट कैन बी ऑब्जर्व दैट x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 is also a factor of given polynomial and x square minus 2x minus 35 को हम factorize करते हैं, we get x minus 7 into x plus 5.
Therefore, the value of polynomial is also 0 when x minus 7 equal to 0, x plus 5 equal to 0, or x equal to 7 and minus 5. Hence, 7 and minus 5 are also zeros of the given polynomial. Next question. If the polynomial x to the power 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k, the remainder come out to be x plus a, find k and a. By division logarithm, dividend equal to divisor into quotient plus remainder. Dividend minus remainder equal to divisor into quotient. X ki power 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 minus x minus a is equal to x ki power 4 minus 6x cube plus 16x square minus 26x plus 10 minus a will be perfectly divisible by x square minus 2x plus k. Let us divide x ki power 4 minus 6x cube plus 16x square minus 26x plus 10 minus a by x square minus 2x plus k. तो हम यहां डिवाइड करते हैं तो x स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि x की पावर 4 आ जाए तो वो नंबर है x स्क्वायर हमें मिलता है पूरे पॉलीनोमियल मल्टीप्लाई करके x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस k x स्क्वायर सबट्रैक्ट करने के लिए साइन को चेंज करते हैं जो कटता है उसे कटा देते हैं बची हुई क्वांटिटी हमारे पास मिलती है माइनस 4x क्यूब प्लस 16 माइनस k x स्क्वायर माइनस 26x. अब हमें देखना है कि x स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 4x क्यूब आ जाए तो नंबर है माइनस 4x तो माइनस 4x से मल्टीप्लाई करते हैं रिजल्टेंट मिलता है माइनस 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 4kx साइन को चेंज करते हैं जो कटता है उसे कटा देते हैं रिमेनिंग बचता है 8 माइनस k x स्क्वायर माइनस 26 माइनस 4kx प्लस 10 माइनस a 8. अब हम क्या करेंगे x स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 माइनस के x स्क्वायर हो जाए तो नंबर है 8 माइनस के 8 माइनस के x स्क्वायर माइनस 16 माइनस 2 के x प्लस 8 के माइनस के स्क्वायर साइन चेंज करते हैं रिजल्टेंट मिलता है इन ब्रैकेट माइनस 10 प्लस 2 के x प्लस 10 माइनस a माइनस 8 के प्लस के स्क्वायर. इट कैन बी ऑब्जर्व दैट माइनस 10 प्लस 2 के x प्लस 10 माइनस a माइनस 8 के प्लस के स्क्वायर विल बी जीरो. Therefore, 10 minus 2k is equal to 0 and 10a minus 8k plus k square is equal to 0. For 10 minus 10 plus 2k is equal to 0, 2k is equal to 10, k is equal to 5. And for 10 minus a minus 8k plus k square is equal to 0, 10 minus a minus 8 into 5 plus 25 equal to 0, 10 minus a minus 40 plus 25 equal to 0, minus 5 minus a equal to 0, a is equal to minus 5. Hence, k is equal to 5 and a is equal to minus 5. Students, आपने बड़े ध्यान से इस optional exercise को देखा और यहीं पर हमारी optional exercise complete होती है. Students, आप अपने घर पर बढ़िया से अच्छे से इन सारे question को बार बार practice करें क्योंकि ये question ऐसे हैं कि अक्सर आपसे इससे गलतियां होती रहती हैं. आप जो है इन्हें जब सॉल्व करते हो तो उस समय लगता है कि हां मुझे आ रहा है लेकिन कॉपी और कलम के साथ जब आप बैठते हो तो आपको लगता है कि हमें जो है दिक्कत महसूस हो रही है. सो स्टूडेंट्स रेगुलर टाइम टू टाइम इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहें. सो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए. टेक केयर. बी हैप्पी. आपका दिन मंगलमय हो.